तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। हमारे एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमारे पास आइए TVS का राइडर। एंड जैसे कि आपको बताया था कि मैं अभी इसको ब्रांड न्यू ख़रीद करके लाया हूं, तो इसमें मतलब जो खूबियाँ मुझे लगी थी और जो इसमें कॉन्स लगे थे मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था। तो अभी इसमें एक दिक्कत है कि इसको लेकर के जाना पड़ेगा मुझे इस वाले बाइक का शोरूम, TVS का शोरूम लेकर के जाना पड़ेगा। क्यों लेकर के जाना पड़ेगा अभी मैं आपको बताता हूँ। तो यह है मेरी TVS राइडर। एंड इसमें अभी दिक्कत क्या आ रही है वो नीचे देखो, नीचे जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ से ना आयल का लीकेज हो रहा है, यहाँ से आयल लीकेज कर रहा है। एंड जैसा कि आप देख सकते हो नीचे कितना गंदा हो चुका है। मतलब अभी इस बाइक को अगर मैं आपको दिखाऊं तो अभी चला है ये बाइक मेरा 168 kg। देखा आपने लापरवाही का नतीजा, 168 किलोमीटर। एंड यहाँ पे मुझे दिक्कत आ रही है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल लीकेज कर रही है। एंड बाइक भी मेरी गंदी हो चुकी है और पता नहीं शायद इसके अंदर से जो ऑयल है मोबिल वो भी शायद कम हो गया होगा। तो इसको अभी लेकर के जाऊंगा शोरूम। एंड 2-3 घंटा शोरूम वाले बोला है छोड़ने के लिए, तो छोड़ने के बाद इसको वो ठीक कर देगा। तो दोस्तों अभी अपन राइडर को लेकर के आ गया हूँ शोरूम में, तो यहाँ पास ठीक करके देंगे। भैया बोले हैं कि शाम को दे दिया जाएगा आपका गाड़ी ठीक हो करके, तो शाम को आएंगे लेने के लिए। और फिलहाल ऑफिस में मेरे को चाय मिला है पीने के लिए, तो चाय पीते हैं और घर चलते हैं। तो अभी हो चुके हैं शाम और मैं आया हूँ अपनी राइडर को लेने के लिए। तो TVS वालों ने शाम को बुलाया था तो मैं आ चुका हूँ और मस्त TVS वालों ने राइडर को मेरी चमका दिया है। तो चलो मिलते हैं एक और वीडियो में।